मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने जितनी बातें बोली, साथ साथ वो उठ करके प्रधानमंत्री के पास गए, गले लगने की कोशिश दिखाई दी, गले लगे और उसके बाद उठ करके आए और अपनी सीट पर उन्होंने अपने आंखें भी दबाई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या है? राजनीति में हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करें, पब्लिक इश्यूज पे चर्चा करें, ये अच्छी बात है, लेकिन बातें जो हों तथ्यों पर आधारित हों तो और अच्छा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी के सभी बातों का जवाब संसद में दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में जो जनता सोचती है आज एक बार पुनः संसद के अंदर लोगों ने वो देख लिया है। क्या सोचती है? मैंने कहा ना, जो सोचती थी और जो सोच रही थी वही आज वह दृश्य एक बार पुनः उनके वक्तव्यों से और उसके बाद अपनी सीट पर बैठ करके जो उनका आचरण था उसको देख करके लोग, उन्होंने आज संसद में खुद को कह दिया कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं लेकिन मैं बुरा नहीं मानता। तो हमने कहा ना, जो लोग जो बोलते हैं वो वास्तविकता में क्या है क्या नहीं है, राहुल गांधी ने अपने मुंह से स्वयं ही बोल दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपको लगता नहीं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष की एकता की एक बड़ी कोशिश है? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज बोला है, कहा जाता है सदन में एक लीड लिया है एक तरीके से, ये 2019 के लिए एक बड़ा खतरा है? देखिए, 2019 केंद्र सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के लड़ा जाएगा। इस देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जो जोरदार अभियान चले और उसके जो बेहतर परिणाम आए, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने है। फ्रांस को भी भारत ने पीछे छोड़ा है। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी और पूरे कैबिनेट पर विरोधी भी कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता का इससे उत्तम उदाहरण मिलना कठिन है। और ये सभी नेशनल इश्यूज होंगे, सुरक्षा का, आम जनता की सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं का, इस देश की विदेश नीति का, देश की अर्थव्यवस्था का, इन सभी ये सब मुद्दे इलेक्शन के होंगे। विपक्ष कहाँ पर ठहरता है, एक दूसरा कौन सी एकजुटता है विपक्ष की, ये लोग पहले लीडर तय करें फिर सामने आए तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये तो देश की बात है, लेकिन असली खतरा तो उत्तर प्रदेश में है जहाँ से 73 सीटें आनी हैं। बीएसपी, एसपी, आरएलडी, कांग्रेस, सबके एक होने की कोशिशें चल रही हैं। आपको लगता नहीं कि एक बड़ा खतरा है सरकार को लेकर के भी कि अगर ये चारों एक होते हैं तब फिर आप कहाँ ठहरेंगे? क्योंकि दो तीन उपचुनाव हुए, इसमें साफ तौर पर दिखा कि उन लोगों ने मिलकर हरा दिया है। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उपचुनाव स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं, स्थानीय इश्यूज उसमें हावी होते हैं। दूसरा, नेशनल इश्यूज पर इलेक्शन जब होने शुरू होंगे, जनरल इलेक्शन को आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर 73+ सीट पाएगी, उससे नीचे नहीं पाएगी।